लूट की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। आप भी तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक कार में सवार होकर बदमाश पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं, पहले पेट्रोल डलवाते हैं और फिर बंदूक दिखाकर सेल्समैन को लूट लेते हैं। ये बदमाश करीब 12,000 रुपए लूट कर ले गए। ये वारदात लूनकरण सर के लक्ष्मी पेट्रोल पंप पर हुई है। तो पेट्रोल पंप की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने बेखौफ है बीकानेर में बदमाश। साफ तौर पर बानगी पेश करें ये तस्वीरें। बाकायदा कस्टमर की तरह पहुंचते हैं यहां पर बदमाश लुटेरे, कार में पेट्रोल भी भरवाते हैं और उसके बाद हजारों की लूट होती है यहां पर। और ये पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसकी तस्वीरें अब आप भी देख पा रहे हैं और ये तस्वीरें पुलिस महकमे के पास भी पहुंच चुकी है। अब देखिए किस तरह से पूरे मामले की पड़ताल होती है और नतीजा क्या निकलता है। क्या ये अपराधी पुलिस के गिरफ्त में आएंगे, ये भी अपने आप में सवाल है क्योंकि इस तरह की घटनाएं घटती ही रहती हैं। हमारे साथ हमारे जी मीडिया संवाददाता बीकानेर से त्रिभुवन रंगा जुड़ चुके हैं। त्रिभुवन, क्या कुछ अपडेट्स हैं? ये तस्वीरें हम भी देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। जाहिर सी बात है पुलिस महकमे के पास ये तस्वीरें हैं ही, कोई फायदा है क्या पुलिस तक? पुलिस कब तक पहुंचेगी इन बदमाशों तक? रश्मि, मैं बता दूं ये कल रात की घटना है और जो सीसीटीवी लगे हुए थे पेट्रोल पर उसको पुलिस पूरी तरह खंगाल रही है। अभी तक कोई सफलता पुलिस को मिली नहीं है। जगह जगह पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी है, पुलिस पूरी तरह लगी हुई है, लेकिन ऐसा कोई भी अभी तक ऐसा मामला सामने नहीं आया है जिसे ये मालूम हो कि बदमाशों की पहचान की गई है। जी रश्मि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका त्रिभुवन तमाम जानकारियों के लिए। तो पुलिस भी वाकिफ है इस पूरे घटनाक्रम से, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं।